पिघल रही है तो और खाने में मजा आ रहा है। आज के दिन की शुरुआत करते हैं माँ चामुंडा देवी के दर्शन से। जय माता दी। हाँ जी, खा लो पहाड़ी मलाई बर्फी, देसी मलाई बर्फी खोए वाली। शेर सिंह जी, ये क्या है? ये जी पहाड़ी आइसक्रीम है, बहुत पुरानी आइटम है, अंग्रेजों के टाइम की चीज़ है ये। उस टाइम कोल्ड स्टोर वगैरह कुछ नहीं थे, सबसे पहले की चीज़ ये है जी, अंग्रेजों ने ये बनाई थी, उसके बाद तो कोल्ड स्टोर वगैरह बने ना। इसको आप बोलते क्या हैं? इसको हम मलाई बर्फी कहते हैं जी। मलाई बर्फी? हाँ जी, अब के ज़माने में तो हम आइसक्रीम कहते हैं, लेकिन बच्चों को पता लगे मलाई बर्फी क्या है तो आइसक्रीम तो सब समझ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को जी 28 साल हो गए, उस टाइम 2 रुपये की 50 ग्राम थी, अब इसका रेट बढ़ गया तो अब 25 का 50 ग्राम है। फिर तोल के बेचते हैं? हाँ जी। और क्या क्या चीज़ें बनती है? ये सिंपल होती है जी, दूध, चीनी, इलायची, खोया। अगर इसमें बादाम काजू डालें तो उसका टेस्ट नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आता दूध का। उसको जमाते कैसे हैं? इसकी जी मशीन होती है, इसके 2 भाग होते हैं, एक वाला ये होता है, एक और होता है, उसमें पड़ी होती है अनमोनिया गैस। अनमोनिया गैस को हमने एक भाग में डाल दिया, ये वाला भाग जो है, जो मशीन है, जो ये वाला जमाने वाला जो है, ये ड्रम के बीच में रखा होता है, पानी के बीच में, और गैस वाला वो अलग रखा, उसके नीचे 2 घंटे आग जलाते हैं। आग जलाने के बाद, 2 घंटे आग जलाने के बाद मशीन को उठाकर साइड में रख लेते हैं। जब हमने साइड में रख ली तो जो भाग गर्म किया हुआ उसके ऊपर पानी की पाइप लगा देते हैं। मशीन के अंदर एक बैल होती है, उसको कहते हैं बाल। बाल की आवाज़ आने लगी, टन 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 की आवाज़ आने लगेगी तो उसकी ठंडी भाप से घंटी से टकरा कर दूसरे किनारे ठंड जाएगी, तो उसमें फिर ये सेट होती है, 2 घंटे बाद ये जाम हो जाती है। और यहाँ पे पूरे कांगड़ा में मिलता है? ये हिमाचल में पूरे में मिलेगा जी, यहाँ पे मिलेगी, कांगड़ा मिलेगी, वैष्णो देवी मिलेगी, हरिद्वार में मिल जाएगी, सब जगह यही नाम से मलाई बर्फी। मलाई बर्फी चलिए हमारे लिए लगाइए 50 ग्राम। मलाई बर्फी का जायका लिया जाए। इलायची का बहुत ही उम्दा जायका है और बिल्कुल मलाईदार है। इसमें 5 किलो दूध होता है, इसको चीनी वगैरह डालकर इसको 3 किलो रखना पड़ता है हमें। फिर बीच बीच में मलाई के जो लच्छे होते हैं, हाँ जी, वो आ रहे हैं। जैसे आप ये 30 की आपको कम दिखाई दे रही है, जैसे सॉफ्टी लेते हैं ना आप, तो सॉफ्टी इतनी लंबी भर देती है 20 रुपये की, लेकिन उसका 25 ग्राम वेट नहीं होता है, वो फ्लेवर में ज़्यादा बना दिया होता है, उसका वेट नहीं होता है। ये वेट वाली चीज़ है तो वो कम दिखाई देती है, लेकिन आइसक्रीम से ज़्यादा होती है ये। तो ये जो काम आप करते हैं सालों भर करते हैं? हाँ जी, 12 महीने करता हूँ। चामुंडा मंदिर में चाहे बर्फ, आपको चामुंडा मंदिर में 12 महीने मिले, जितने मेरी ठंड हो कुछ भी हो, जब पिघल रही है तो और खाने में मज़ा आ रहा है। ये तो बहुत सकता है, ये भी ऊपर की, ये तो काट ही नहीं जाती है, गुड़ फट जाते हैं, तो पिघलता नहीं है। गर्म पट्टी लगी हुई है ना, इसे हवा नहीं लगेगी, इसको हवा लगेगी तो पिघलेगी। अच्छा शेर सिंह जी, धन्यवाद जी, पत्ते वाली देसी आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आप भी इस देसी मलाई बर्फी का जायका ले सकते हैं। शेर सिंह जी, माँ चामुंडा देवी मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने गेट पे इनकी अपना ये दुकान सेटअप करते हैं, सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और आके आप भी इसका जायका ले सकते हैं। गंजा पान जब मर्जी आओ, बंदे दूसरे पहचान जाते हैं कि गंजा भाई वो ही बैठा है, शेर सिंह जी बैठे हैं, दूसरे देखते नहीं वो गंजा वाला का है यार, किसी और के पास खाएंगे नहीं बंदा।
चलिए बहुत बढ़िया, मुझे बहुत चाहिए। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। Before we explore our institute, first I will give you a brief information about our institute. Our institute is called Nobulinga. It's a Tibetan name which means precious garden. Okay. So this name itself is taken from Tibet. In Tibet, we have a Nobulinga palace, and that is a summer residence of His Holiness the Dalai Lama. Okay. And that is, you can say, largest garden in Tibet. That was built by 7th Dalai Lama called Kesan Gyatso. Okay. And Nobulinga over here is an institute for preservation of Tibetan art and craft. Okay. So this institute was inaugurated in 1995 by His Holiness the Dalai Lama. And the main founder of this institute is former minister of Tibet called Kesan Ishi, and his wife Kim Ishi. They are the one who started the institute. So over here, main thing to see is Tibetan art and craft studios. So inside the studios, we have students from Tibet and also from Himalayan region. So they are getting free handicraft trainings over here. And also we are having professional artists. All the qualified artists, they are working for the institute. So whatever they make, we are selling these things through our souvenir shop. So through these, we make money to self-sustain our institute. And after that, we have a museum, temple, shop, restaurant, cafe as well. So overall, for this campus, we have 6 acres to see. Okay, and we have one bodhisattva called Avalokiteshvara, and this bodhisattva is for compassion. Okay, and also you can say His Holiness the Dalai Lama is a manifestation of this bodhisattva. Mm-hmm. So our institute was built on the proportion of this bodhisattva. So from aerial view, you can see our institute like this. So inside we have a map. So tourists who wants to explore by themselves, they can use this map. So all are written in number wise. Now we are going to visit our temple. This temple is called Seat of Happiness. Okay, so inside we have a 14 feet high Buddha statue. This is the biggest Buddha statue in Dharamsala, you can say. This statue is made from our metal sculpture artist. And this was consecrated by His Holiness the Dalai Lama. Mm-hmm. And overall in this temple, our artist made 1,173 Buddha's mural painting inside it. Okay, this is a worship hall for our staff and students. Okay, good. A Thangka apple, they works in assembly line work, a teamwork to make one. Mm-hmm. So this is a huge one, 14 feet high, and at the center you will see Gautam Buddha, mm-hmm. along with the 16 arhats, mm-hmm. who attend enlightenment. तो ये कैफ़े जो रन करते हैं यहीं के लोग रन करते हैं? यस, ये इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट का ही खुद का कैफ़े है। तो जो केक्स है और भी जो ड्रिंक्स है सब ये अपना खुद ही बनाते हैं? हाँ, यहाँ पर सभी खुद फ्रेश बनाता है। सुबह फ्रेश बना के फिर यहाँ पर होता है। हम यहाँ पर जैसे कि पिज़्ज़ा ऐसे सब कुछ बनाते हैं, सभी ताज़ा ताज़ा होता है, फ्रेश फ्रेश। तो ये कैफ़े उधर रेस्टोरेंट भी है? यहाँ ये कैफ़े का नाम है हमिंग बर्ड कैफ़े, Nobulinga Humming Bird Cafe. आपने लिया है सोडा, मैंने लिए जिंजर हनी लेमन टी, आपने कैपेचिनो, और ये है हमारा लेमन चीज केक एगलेस।
इंटेंस फ्लेवर लेमन का, वेरी नाइस और रिफ्रेशिंग भी है और हैवी भी नहीं है. जैसे वो होता है ना व्हिप क्रीम वैसा लग रहा है, व्हिप क्रीम की तरह. थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा. आपने बहुत अच्छे से हमें पूरा इंस्टीट्यूट का टूर कराया और काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिली और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग. थैंक यू. अनुभव जी, इस वक्त हम धर्मकोट में हैं. आप सामने देख रहे हैं वहाँ पे मैक्लोडगंज है और ऊपर आकर यहाँ पे धर्मकोट है. यहाँ के कुछ कैफ़ेज़ हैं जो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, स्पेशली यहाँ पे इजरायली फूड मिलता है. तो हम धर्मकोट थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. यहाँ से धर्मकोट की मार्केट शुरू है, वहाँ पे मेन चौक है और यहाँ पे जब हम राइट साइड को जाते हैं तो ये मार्केट शुरू है. तो पहले हम ट्रैक एंड डाइन एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आगे और भी कैफ़ेज़ एक्सपीरियंस करेंगे. चलिए. मैं करीब 2016 में यहाँ पे धर्मकोट आया था और इस जगह पे जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी समय स्पेंड किया है. स्पेंड किया आपने और पूरी पूरी शाम यहाँ बैठे रहते थे. और बहुत अच्छी जगह है. मतलब मैक्लोडगंज जितना क्राउडेड है उससे एक थोड़ा सेक्लूडेड जगह है. मतलब धर्मकोट है, शांत जगह है. यहाँ पे लोग आते हैं और एंटर करते ही कैफे में हमने देखा ट्रैक एंड डाइन में लोग काम कर रहे हैं. बिल्कुल, यहाँ पे जब से शुरू हुआ है बिल्कुल लोग अपना लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं. तो और बल्कि ये कोविड के बाद ऐसी चीज़ें यहाँ पे धर्मकोट में शुरू हो गई हैं कि कुछ कैफेज़ बिल्कुल वर्क फ्रॉम होम जो काम करते हैं उन्हीं के लिए. जो मुझे ध्यान है, जब मैं आया था 2016 में तो पूरा एक कैफ़े ट्रेल किया था. अलग अलग जगहों पे कैफ़े में जाके कहीं पे इजरायली खाया, कहीं मैक्सिकन खाया, कहीं इटालियन खाया, कहीं अपना इंडियन खाना खाया. तो हर एक कैफ़े का अपना अपना स्पेशलाइजेशन है. और यहाँ पे कैफ़े का फूड तो है लेकिन जो कैफ़े की वाइब्स है वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे है. और जब हम लोग आए थे यहाँ पे दोस्तों के साथ आए थे, यहीं पे कैफ़े ट्रेल करने के बाद इतना इंस्पायर्ड हुआ मैं कि जाके दिल्ली में मैंने कैफे खोल लिया. अब वो एग्जिस्ट नहीं करता बट यहीं से शुरुआत हुई. नहीं, बहुत लोग यहाँ से बिल्कुल कैफे से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हम भी अपनी ऐसी चीज़ शुरू करेंगे क्योंकि एम्बियंस बहुत अट्रैक्टिव है. कल्चर और आर्ट जो है उसको मिक्स करके यहाँ पे वो चीज़ें उभर के लाई हैं हर कैफ़े में. इनफैक्ट हर कैफ़े की एक अपनी इंडिविजुअलिटी है. बट ये भी है कि यहाँ के जो कैफ़े की वाइब्स हैं वो आप शहरों में रेप्लिकेट नहीं कर सकते. तो हमने मंगवाया है लज़ान्या. हाँ. जो कि एक तरह का पास्ता ही होता है, तो वो अभी ट्राई करेंगे मशरूम मिक्स टोमेटो और क्रीम सॉस के साथ. ये लज़ान्या है, एक बहुत ही पॉपुलर इटालियन डिश है. एक शीट है पास्ता की और उसके साथ में मशरूम है और वेजिटेबल्स हैं. आप नॉन वेजिटेरियन भी ले सकते हैं, ये हमने वेजिटेरियन मंगवाया है. और साथ में ब्रेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे कैफेज़ में खाने का. आपके पास इटालियन, मैक्सिकन, इजरायली, इंडियन सब मिल जाते हैं. सभी के टेस्ट को केटर करते हैं ये कैफेज़. और ऊपर भी बैठने का बनाया हुआ इन्होंने. बस एक चीज़ है ध्यान रखने की कि जो पानी है वो आपको मांगना पड़ेगा. और वो नहीं तो आपको बॉटल वाटर ही देंगे. हैं, ये गलत बात है वैसे कि कैफेज़ में ऐसा होना चाहिए और ख़ासकर पहाड़ों पे कि प्लास्टिक और बॉटल वाटर का कम से कम इस्तेमाल किया जाए. और एक और चीज़ है, जब हम ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी टाइम बाद हमारा ऑर्डर आता है. जी जी हाँ, ये भी. चीज़ी, क्रीमी और बहुत सारा टमाटर डला हुआ है इसमें. इनका मल्टीग्रेन ब्रेड है.
अच्छा एक बात और है, पहाड़ों पे आके भूख भी अच्छी खासी लगती है और डाइजेस्ट भी खाना बड़ी आराम से हो जाता है। यहाँ पे आप जितना मर्जी टाइम बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपना खाना खाइए, काम कीजिए। हाँ, यहाँ पे टोकते नहीं है। वैसे बहुत जगहों पे कैफेज़ पे होता है कि आप थोड़ी देर बैठो फिर मेन्यू लेके आ जाएंगे, वैसा नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है ये जो कैफेज़ में इटालियन, मैक्सिकन, जो मतलब नॉन इंडियन डिशेज़ हैं, वो जो टूरिस्ट आके रहते हैं वो लोकल्स को सिखा के जाते हैं। तो यहाँ पे जो अंदर बना रहा हुआ वो कोई इटालियन नहीं होगा, वो कोई लोकल ही होगा, लेकिन कोई टूरिस्ट आके लॉन्ग टर्म स्टे के लिए यहाँ पे रहा होगा तो अपनी रेसिपीज़ दे जाते हैं। कैफे मूनलाइट, कैफे मूनलाइट। हाँ, तो ये मिडिल ईस्टर्न फूड प्लेटर है जिसमें पिटा ब्रेड है, फलाफल है, हुमस है, सैलेड है और फ्रेंच फ्राइज है। ये इसमें हुमस लगाया है। हेल्दी डिश है, बहुत पॉपुलर है। इजरायली जो मेन्यू हर जगह रेस्टोरेंट में आपको ज़रूर मिलेगा। ये थोड़ा सा तेज आंच पे पका दिए हैं तो हल्का सा जला हुआ टेक्सचर वो आ रहा है। अच्छा, चने से बनता है। मोस्टली यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आते हैं वो लॉन्ग स्टेज के लिए आते हैं। हाँ, बिल्कुल, शॉर्ट स्टेज के लिए नहीं आते। नहीं, नहीं। जब मैं भी आया था पिछली बार तो काफ़ी समय यहाँ पे रहा था और यहाँ पे अकोमोडेशन बहुत सस्ता है। सस्ता है, खाना महंगा है। हाँ, खाना लेकिन स्टे बिल्कुल सस्ता है। कैफे का जो खाना है वो महंगा है, मतलब एक मील आप खाने जाएँ तो कम से कम 300 रुपये तो मिनिमम लगेंगे। काफ़ी अलग अलग लोग मिलेंगे आपको जब आप यहाँ धर्मपुर की गलियों में जाएंगे, बहुत एक तरीके से रंग बिरंगे लोग मिलेंगे आपको। और धर्मकोट में भी काफ़ी ज़्यादा जो हिप्पी कल्चर था उसका इम्पैक्ट रहा है। बिल्कुल, वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा देखने को मिलता है। बल्कि यहाँ के जो पहाड़ी लोग हैं उनको, जितने भी फॉरनर्स हैं उनको यही लगता है कि ये हिप्पी लोग हैं और हिप्पी लोग यहाँ पे आए हैं और पहाड़ों में बसने के लिए आए हैं। तो कैसे कह सकते हैं एक डिसेंट मील है, ऐसा कुछ ज़बरदस्त उमदा तो नहीं है बट एक ठीक है। खाने से ज़्यादा यहाँ के वाइब्स में फ्लेवर्स हैं। नेपाल से आता है एक चीज़, नेपाल से चीज़ बहुत जगहों पर जाता है। आप वहाँ जाओगे ना कालिम्पोंग उस साइड भी तो नेपाल से लोग लेते हैं और हिमालयन चीज़ बोल के बेचते हैं। याक चीज़ ये पक्का, ये याक मिल्क का है। हाँ जी, 100% है। दूसरा ये काऊ भी है मेरे पास, ऐसे बात नहीं है। दिखाइए थोड़ा काऊ का टेस्ट कराइए। काऊ का टेस्ट तो इतना अच्छा नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ले ये इतना फॉरेनर ही हो, काऊ चीज नहीं खाता है। रबड़ी टाइप लग रहा है। हाँ, याक चीज़ अच्छा है। नेपाल में कहाँ से आता है? जीरी। जीरी, हाँ जी। तो सप्लायर दे जाता है? हाँ, हमारा बहुत पुराना सप्लायर होता है। और इस साल अभी थोड़ा लेट हुआ है, लॉकडाउन से तो बंद ही था तो थोड़ा लेट आया, लगभग हो गया 2 हफ्ते जैसे हुआ है पहुँच गया। आप नेपाल से? हाँ जी। नेपाल में कहाँ से? मैं प्रॉपरली रहता हूँ मैं काठमांडू में, मगर थोड़ा साइड है पोखरा और काठमांडू के बीच में, दादिंग बोलते हैं वहाँ पे। आपको कितना समय हो गया कैफे का आपके? ऐसा तो हमारा फैमिली तो बहुत साल से है, जैसे मनाली में जरवन बेकरी के नाम से कम 30 साल हो गया होगा। तो ये तो मेरा न्यू तो इतना न्यू नहीं, मतलब गोवा में भी है मेरा, तो यहाँ पे हो गए अराउंड 8 ईयर्स। तो गोवा में तो 13-14 साल तो हो गए। बस नेम डिफरेंट है, अब भाई लोग से थोड़ा सेपरेट हो गया, मेरा सेपरेट नाम रख दिया है लामा बेकरी बोल के, मगर सब जर्मन बेकरी जो ओनर है हमारे फैमिली रिलेटिव्स ऐसे। जर्मन बेकरी बहुत जगह पे इंडिया में। हाँ जी, सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हमारा, मेरा कजन ब्रदर वो मनाली में, वो लोग ने स्टार्ट किया था। जर्मन के आदमी था ये लोग, जैसे उड़ी, एक उड़ी उड़ी बोलता है, काफ़ी बूढ़ा भी हो गए वो,
एक्चुअली ये पहले बक्सु केक नहीं था, इंडिया में नहीं था। तो पहले मैं जब मनाली में था तो एक इजरायली लोग ने मुझे थोड़ा इसका रेसिपी दिया था, तो उस हिसाब से मैंने मॉडिफाई करके अपने हिसाब से टेस्ट बना लिया। तो बक्सु यहाँ पे जो टेंपल है वाटरफॉल उसके नाम पे रखा? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो कॉइंसिडेंटली मिल गया है कि बक्सु बोल के ऐसा तो नहीं है, मगर ये इजरायली डिश में आता चारा चाहता। अच्छा, इजरायल लोग। चलिए, हम तो इसराइल गए नहीं है, पता नहीं। हाँ नहीं, नहीं, नहीं हम तो खा रहे हैं नहीं कोर्ट में। तो ये ऊपर व्हाइट चॉकलेट है, नीचे कुकीज का बेस। हाँ, कुकीज का बेस है और मिल्क मेड रहेगा नीचे। अच्छा, आइए। मतलब क्रीमी है ऊपर और नीचे क्रमली टेक्सचर। अच्छा, वो चॉकलेट होती है ना मिल्की में, वैसे वैसे नहीं। थैंक यू, मैं खुद बना दूं, मैं खा लिया। थैंक यू। ये रम बॉल। सॉफ्ट है, मॉइस्ट है और रम का बहुत इंटेंस फ्लेवर है। थैंक यू, बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। चलिए, अच्छा है तो होममेड बेकरी आइटम्स ट्राई करने हो तो लामा जी के यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू पूरन जी, वेलकम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इतना टेस्टी रंबर और भक्सु वाइट खिलाने के लिए। थैंक यू, वेलकम सर। तो तिल है और ये ग्रीन वाला क्या है? ये मेथी है जी। मेथी जी, कसूरी मेथी। हाँ जी। अच्छा, तो ये आपने पिज्ज़ा बनाना किनसे सीखा? पिज्ज़ा बनाने जी मैंने तो फॉरेनर से सीखा जी। इस पिज्ज़ा में है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस है, अपना होममेड, आपका खुद का बना हुआ है जी। होममेड, साथ में चीज है, प्याज है और शिमला मिर्च है। हाँ जी जी, बस जी। अभी ओवन में जाएगा? ओवन में जाएगा जी। हाँ जी। वुड फायर्ड ओवन है? हाँ, लकड़ी वाला, लकड़ी का अपना ओवन बनाया हुआ है। हाँ जी। तो एक पिज्जा को बनने में 15 मिनट लग जाते हैं? हाँ जी। तो आपकी ड्यूटी यही रहती है? नहीं, मेरी ड्यूटी नहीं रहती, यहाँ पे मम्मी की ड्यूटी होती है, लेकिन अभी मम्मी के पास मेहमान आए हुए हैं तो इसलिए मैं बना रही हूँ। एक दिन में कितने पिज्जा लगा देते हैं? अभी तो 15-20 पिज़्ज़ा लगते हैं, लेकिन पहले अच्छा होता था काम, पहले 100-100 पिज़्ज़ा लग जाता था, 120-10। अच्छा, अभी कम क्यों है? अभी लॉकडाउन करके थोड़ा कम हो गया है, पहले 2-3 साल तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ, लेकिन इस साल तो थोड़ा थोड़ा काम होने लगा है। जैसे हंसराज जी बता रहे थे 1997 से आपकी शॉप, आपका रेस्टोरेंट। हाँ जी, मुझे तो अभी 10-12 साल ही हुए आए हुए, लेकिन फैमिली चला रही है, इसलिए नाम ही फैमिली पिज़्ज़ेरिया है। हाँ जी, क्योंकि फैमिली के सभी लोग मिलकर यहाँ पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये कौन सा पिज़्ज़ा बना है? ये मिक्स वेजिटेबल पिज़्ज़ा है। मिक्स वेजिटेबल। हाँ जी। आपको कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है? मुझे तो सभी पिज़्ज़ा पसंद है वैसे तो। एक एक बताइए जो आपको अच्छा लगता है। स्पेशल पिज़्ज़ा? हाँ हाँ जी, स्पेशल पसंद है। स्पेशल पिज़्ज़ा? हाँ जी। उसमें स्पेशल क्या होता है? उसमें मशरूम है, 3 kinds ऑफ चीज़ है, बोबो और गार्लिक है। जो बोबो पिज़्ज़ा है? नहीं, बोबो पिज़्ज़ा तो उसमें तो वेजिटेबल्स सारी जाती हैं। अच्छा, लेकिन स्पेशल पिज़्ज़ा में सिर्फ मशरूम और गार्लिक रहेगा और 3 cheese रहेगा उसमें। जैसे देखो, नीचे से भी हीट मिल रहा है और ऊपर से भी हीट है, पर गर्म है तो अच्छे से वो पक जाता है। इसका जो एक इलेक्ट्रिक ओवन होता है और ये जो वुड फायर्ड है, दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है टेस्ट। हाँ, वो तो रहेगा ही। उसमें जो सौंधी खुशबू आती है, वो अलग होती है। हाँ, जो स्मोकी फ्लेवर आता है वो आपको इलेक्ट्रिक
ओवन में नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ वुड फायर्ड ओवन में ही आएगा। वहाँ पे हीट तो बहुत तेज है यहाँ पे। हाँ जी हाँ, ठंड में मजा आता होगा यहाँ बैठने में। ठंड में तो सभी फैमिली पूरी इधर ही होती है हमारी। अच्छा अच्छा जी, थैंक यू, हमें पिज्जा आपने बना के दिखाया, अब हम जा रहे हैं बैठ के उसका जायका लेंगे। चलिए चटनी के साथ खाया जाए, मतलब और तो कहीं देखी नहीं मैंने, केचप के साथ तो मैं नहीं पसंद करता। ठीक है, पहली बार ऐसा है कि पिज्ज़ा के साथ दूसरी चटनी भी मिल रही है। हाँ नीचे से जो क्रस्ट है वो क्रिस्प और ऊपर में सिर्फ प्याज चीज़ और शिमला मिर्च। धर्मकोट में बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं, हमें लगता है कि एक दिन में आप सभी कैफ़ेज़ कवर नहीं कर सकते, आपको काफ़ी समय चाहिए सभी कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करने के लिए। पिज्ज़ा के लिए भी बहुत सारे कैफ़ेज़ हैं जो फेमस हैं, जैसे नीचे से आप आते हैं तो मॉर्गन है, मून लाइट जहाँ पर हमने इसराइली प्लेटर लिया था होमस वाला, या फिर ये फैमिली पिज़्ज़ेरिया, तो एक डिश के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हिमालय टी शॉप हमारा लास्ट स्टॉप है धर्मकोट का जी। ये आपने ट्रैक डैंग की टी शर्ट पहनी हुई है, सेम ही है क्या दोनों? सेम ओनर्स है, ओनर तो सेम, बाकी भाई तीन भाई का अपना अपना अलग अलग बिजनेस हो गया। ये पुराना है? हाँ ये पुराना ट्रैक डांस ढेर सबसे पहला दुकान नहीं है धर्मकोट की, सबसे पहली दुकान है धर्मकोट की। अच्छा तो ओल्डेस्ट टी शॉप धर्मकोट की, सबसे पुराना दुकान है, उसके बाद में बाकी सब खुले हैं। बाकी तो अभी खुले हैं, इतने करोड़ों हो गया अभी। हेलो, हम तो ट्रक एंड डाइन में क्या, हमने बताया वो तो 1997 से। हाँ वो 97 से खुला है। चलिए हम लोग के लिए अजय जी दो कप चाय बनाते हैं। ठीक है। धर्मकोट गांव जो है प्रॉपर लेड बैक माउंटेन विलेज है, सब चीज़ आराम आराम से होती है। किसी भी कैफ़े में जाओ मतलब मिनिमम आपको 20 मिनट्स, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स तक वेट करना पड़ सकता है। वॉकिंग डिस्टेंस पे है सब कुछ, क्योंकि आप कार यहाँ पे पार्क कर दीजिए, फिर जितने भी कैफेज हैं आगे वो पैदल चलकर ही हैं। तो यहाँ की लाइफ ऐसी ही है, पहाड़ी लोग स्लो हैं, शांत स्वभाव के हैं, और ये जो लोग बाहर से आते हैं ये भी इसीलिए आते हैं ताकि वो पीसफुल लाइफ वो जी सकें, स्लो लाइफ जी सकें। तो स्लो लाइफ, स्लो ट्रैवल वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं आप धर्मकोट आके, और हमारी चाय भी आ गई। जो भी लोग यहाँ पे आते हैं अपनी गाड़ियों का वेट करते हैं, टैक्सी सब कुछ यहीं पे होता है, और यहीं से त्रियुंड ट्रैक शुरू होता है। त्रियुंड है और फ्लैग पॉइंट है आगे, छोटा मिनी फ्लैग पॉइंट है और आगे जाके बड़ा वाला फ्लैग पॉइंट है, और त्रियुंड ट्रैक भी इधर से ही शुरू है। तो ये था हमारा छोटा सा धर्मकोट का फूड टूर, कैफ़े ट्रेल आप कह दीजिए, अलग अलग कैफेज़ में गए। ये बक्सुनाग टेम्पल है और इसी मंदिर के नाम पे ही जगह का नाम पड़ा है भागसू। और आगे चलकर भागसू वाटरफॉल भी है और उसके आगे शिवा कैफे है। तो यहाँ से भागसुनाग वाटरफॉल का ट्रैक शुरू होती है एक तरीके से। हाँ तो अब देखते हैं कितना समय लगता है हमें। हाँ। अभी 6:40 हो रहे हैं, तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। किसी ने बोला है 20 मिनट, किसी ने 15 मिनट, किसी ने 45 मिनट। हाँ।
ये छरूड़ू का पानी है, ये छरूड़ू है और ये ग्लेशियर से आता पानी है, और ये छरूड़ू का एकदम फ्रेश पानी है, स्रोत का पानी। हाँ। स्प्रिंग वाटर है, स्प्रिंग वाटर, जिसके लिए आप 20 रुपये 50-50 रुपये देते हैं। छरूड़ू का पानी पी के अब हम बढ़ चले हैं शिवा कैफ़े की ओर। बिल्कुल तरोताजगी आ चुकी है शरीर में, सिर्फ 10 मिनट हुए अभी तो। यहाँ पे बीच में विश्राम करने की जगह बनी हुई है। हाँ, हर जगह पे। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। हमें हो गए 10-15 मिनट हो चुके हैं, टारगेट 15 मिनट पहुँचने का था। बल्कि वाटरफॉल नीचे, हम वाटरफॉल से ऊपर आ चुके हैं। और तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं शिवा कैफ़े, और टाइम देखिए, सिर्फ हमें लगे हैं 10 और 20 मिनट। 20 मिनट्स में नीचे मकसूखनाथ टेंपल से शिवा कैफ़े का सफ़र हमने तय किया। जो 2 मिनट ऊपर हुए हैं वो शिवा में कैमरा सेट करने में लगे हैं, हमारे तरफ से सिर्फ 20 मिनट लगे हैं। चलिए, हमें इतना वॉक करके अपनी एपेटाइट बिल्डअप कर ली है, अब कुछ खाया जाए। बिल्कुल, आइए। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। हम फिर मिलेंगे मैक्लोडगंज में किसी नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।